केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक कानून की वजह से यूपी के मुरादाबाद में 26 साल पुराना एक रिश्ता टूटने से बच गया। दरअसल नाराज सोहन ने गुस्से में कागज पर अपनी पत्नी को तीन तलाक लिख कर दिया था और कहा अब ये नहीं चलेगा। इसके बाद काउंसलर ने दोनों को समझाया और कानून के बारे में बताया। कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग या कह लीजिए बहुत आश्चर्य वाली बात हुई कि जब एक गांव के दो बुजुर्ग आते हैं और हम लोग कहते हैं अपने बेटा बेटी को भेजिए अंदर, माँ बाप नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं कि नहीं हम ही दूल्हा दुल्हन हैं, हम ही यहाँ पर तलाक के लिए आए हैं। तो जब उनको बिठाया गया, उनसे बातचीत करी गई, तो मालूम चला एक छोटी सी बात को लेके पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम थक गए हैं। अब पूछा गया कितने साल शादी को हो गए, तो 26 साल उनकी शादी को पूरे हो चुके थे और 27वां लगा हुआ था उनकी शादी को। और उसके बाद जब उन्होंने कागज दिखाया तो उस कागज में बायकदा एक फ़ोटो चिपकी हुई थी अपने हस्बैंड की और पूरा अच्छा खासा लेटर था और पूरा लिखा था लास्ट में लाइन कि पहला तलाक मैंने इसे दिया है। तो जब ये बात पूछी गई कारण क्या है, आखिर इतने साल बाद ना यहाँ बैठना शोभा देता है ना ये बात कहने में शोभा देती है आपकी उम्र को, तो फिर मालूम चला कि बस बात इतनी सी थी कि पत्नी जो थी बिना बताए अपने मायके चली गई थी। जब वो बिना बताए मायके चली गई, लेकिन आ वापस अपने आप गई थी, उसने ऐसा कोई बॉन्डेशन नहीं डाली थी कि वो उससे पूछ के आए या उसे लेने वो जाए हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने आप ही वापस आई थी। तो जब इसको बात समझाई गई कि जब वो झगड़ा तो नहीं करा ना उसे तुमसे, ना ही उसने तुमको कुछ गलत बोला, ना ही वो सिर्फ अपने मायके गई है, मिलके वो वापस भी आ गई।